नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज का T10 का सेकेंड मुकाबला खेला जाएगा, जो खेला जाएगा PRV वर्सेस PRD के बीच में, इस मैच के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन टीम बनाना चाहते हैं, ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं या फिर स्मॉल लीग से अच्छे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरे कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, साथ साथ वो 11th खिलाड़ी जो ड्रीम टीम के सबसे अधिक पॉइंट दे सकते हैं, वो खिलाड़ी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन का बेहतर विकल्प कौन होगा उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में एक बेहतरीन GL कम्बिनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो में। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना है। इम्पोर्टेंट जो काम है वो है टेलीग्राम से जुड़ना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से टेलीग्राम से इजीली जुड़ सकते हैं। देखो गाइस, ये जो T10 का मैचेस होते हैं पूरा का पूरा टॉस पर डिपेंड करता है। टॉस के होने के बाद में कई सारे प्लेयर्स के बदलाव होते हैं, बैटिंग ऑर्डर में बदलाव होता है, तो उस सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, प्लस जो फाइनल टीम जो होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में जो खेला जाएगा PRV वर्सेस PRD के बीच में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पिच रिपोर्ट। देखो, सेम ग्राउंड पर मैच होने वाला है, स्क्वाड पेज पर। अब देखो, यहाँ पे दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म देखें तो PRV ने लास्ट के 5 मैच जो खेले हैं उसमें से 2 मैच को विन किया है, 3 मैच को लॉस करके आ रही है और लास्ट वाली मैच विन करके आ रही है, ठीक है। और इसके बाद में PRD के देखें तो लास्ट के जो 5 मैच खेले हैं बैक टू बैक पूरा का पूरा मैच जो है लॉस करके आ रही है, ठीक है। PRV का जो टीम है PRD से स्ट्रॉन्ग है, इसके कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो पूरे गेम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो उस सारे प्लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल पिच रिपोर्ट के बारे में हम समझ रहे हैं, ये जो ग्राउंड है बैलेंस होने वाला है, ठीक है। पेसर बॉलर्स को यहाँ पे एडवांटेज है, स्पिनर के लिए कुछ खास यहाँ पे हेल्प नहीं है। एवरेज आपको मिलेंगे 80 से लेकर के 120-130 के आसपास, ठीक है। तो ध्यान देना, बैट्समैन अगर अच्छे पारी खेल जाए तो आपको स्कोर हाईएस्ट दिखने को मिल सकता है, अगर बॉलर्स अच्छे खेले तो फिर आपको 100 के आसपास स्कोर दिखने को मिलेगा। लेकिन हमें पूरा आशा है कि यह मैच में 110 से लेकर के 20 के आसपास में स्कोर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। पिच रिपोर्ट आप समझ गए। बात कर ली जाए टीम कम्बिनेशन की, तो हमने ऑलरेडी टीम बना करके रखा है, फिलहाल हम आपको टीम शो कर देता हूँ। दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारे प्लेयर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले विकेट कीपर से हम बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको अधिकतर प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। जहाँ पे देखो, यहाँ पे बी मेडेस्टी है, इसके बाद में डी सिंह है, इसके बाद में ए आज़ाद है, इसके बाद में पी गंगप्पा है, इसके बाद में के होसिन है, इसके बाद में जे गोस्वामी है। ये सारे के सारे प्लेयर विकेट कीपर सेक्शन से खेलने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स प्लेयर कौन है वो मैं आपको बता दूँ, तो डी सिंह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेयर जो है आपको ओपन करके देने वाले हैं, ठीक है, प्लस विकेट कीपरी भी करेगा, दोनों जगह से बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद में जे गोस्वामी है, ये भी प्लेयर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी ओपन करने वाले हैं, ठीक है, और विकेट कीपरी। तो ये दोनों प्लेयर यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक है, आपको ये दोनों को अपने टीम में ले करके चलना है। बाकी बात कर ले पी मेडेस्टी की, तो इसका बैटिंग ऑर्डर डाउन है, ग्रैंड लीग्स के कुछ टीमों में ट्राई करके चल सकते हो। इसके बाद में ए आज़ाद है, ये आज़ाद भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, ए आज़ाद यहाँ से आपको ओपन करके देने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी प्लेयर को आप चाहे तो ट्राई करके चल सकते हो ग्रैंड लीग्स के कुछ टीमों में, ठीक है। बाकी यहाँ से दो ही प्लेयर को हम लेने वाले हैं, बैटिंग सेक्शन में आएंगे। तो बैटिंग सेक्शन की बात करें तो बैटिंग सेक्शन में भी आपको काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पर दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एम मेडिट को, ठीक है। एम मेडिट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है टू डाउन पे बैटिंग करने वाला है, टू डाउन या थ्री डाउन पे बैटिंग करेगा, तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लास्ट के एक ही मैच खेला है, अच्छे पारी खेल के आ रहा है, तो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है PRV के टीम से, ठीक है। तो ये प्लेयर ऐसा है कि गेम को चेंज कर सकता है, ठीक है। एच मेडिट को आपको अपने टीम में रख के चलना है। बाकी बात करें एम आलामीन को, एम आलामीन भी वन डाउन पे आएगा, ठीक है,
पीआरडी के टीम से, तो ये प्लेयर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। तो दो प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप अपने टीम में लेकर चल सकते हैं। बाकी जो प्लेयर है इसका बैटिंग ऑर्डर डाउन है, किसी का बैटिंग नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब कि अच्छा नहीं खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एम बुजनिया, इसको भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी डाउन है। एम हसन, इसका भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी डाउन है। तो दोनों को आप रिस्क ले लो, ड्रॉप करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी दो प्लेयर इंपॉर्टेंट है, हमने बैटिंग सेक्शन से दो प्लेयर को उठा लिया। बात करेंगे ऑलराउंडर में, तो एम साई वैंडिसी है जो आपको वन डाउन पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगा। बॉलिंग से भी काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है। देखो लास्ट वाली मैच में 186 ड्रीम टीम पॉइंट दिए हुए थे, ठीक है। कैप्टेंसी मटेरियल रहने वाला है, आप कैप्टन कर सकते हो अपने टीम में, तो पिक करके चलेंगे ही चलेंगे। आर गोयल की बात करें, 71% सिलेक्शन है। लास्ट मैच में बंदा फ्लॉप रहा, बॉल से और बैट से दोनों से, लेकिन आज के मैच में कुछ अच्छा पारी खेल सकता है, प्लस विकेट्स भी निकाल सकता है, क्योंकि पेसर बॉलर्स को एडवांटेज है। और ये है राइट आर्म पेसर, ठीक है। इस ग्राउंड पर राइट आर्म पेसर काफ़ी विकेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्लेयर को भी आप अपने टीम में लेके चलना। बाकी एच रोगड़ी, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देखो बंदा लास्ट वाली मैच में काफ़ी अच्छे पारी खेल के आया, लास्ट वाली फ्लॉप, लेकिन उससे पहले जो भी मैचेस खेला है 3 मैच, उसमें ड्रीम टीम में आया हुआ है। तो एक अच्छे पिक रहेगा, कैप्टेंसी मटेरियल रहने वाला है, ठीक है। इस प्लेयर को भी ले सकते हो। बाकी एस अहमद की बात करें, बैटिंग ऑर्डर डाउन है, चाहे तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बॉलिंग भी इसको एक आध ओवर मिल सकता है, ठीक है। तो ग्रैंड लीग टीमों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ग्रैंड लीग्स में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी एन पांड्या है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी डाउन है। अगर टॉस के बाद में इसका बैटिंग ऊपर आ रहा है तो फिर हम अपने टीम में ट्राई करेंगे, बाकी छोड़ के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में एस आसिफ है, इसका भी बैटिंग ऑर्डर डाउन है, लास्ट मैच में नहीं खेला, लेकिन अगर खेले तो इम्पोर्टेंट है। देखो पिछले 2 मैच जो खेला इसमें ड्रीम टीम में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स को अगर खेले तो आप अपने टीम में पिक करके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लेयर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने 3 प्लेयर्स को अपने टीम में पिक कर लिया है। बाकी बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में आपको देखो टी कर लिया है, टी कहिया लाल है, ठीक है, स्पिनर्स है। तो सिलेक्शन हाईएस्ट है, बट स्पिनर्स को यहाँ पे एडवांटेज नहीं, इसलिए हम ग्रैंड लीग्स की टीम बना रहे हैं, इसमें ड्रॉप करेंगे, ठीक है। बाकी एम अली अकबर है, इसको बॉलिंग ही नहीं दी जा रही है, तो ये भी आपके लिए मतलब कि एक रिस्केबल रहेगा, इसको भी आप ड्रॉप करो। इसके बाद में पी वेस्ट है, ठीक है, ये 2 ओवर पूरा बॉलिंग डाल रहा है, लास्ट वाली मैच में फ्लॉप रहा, लेकिन आज के मैच में कुछ अच्छा कर सकता है पीआरबी की टीम से, ठीक है। तो पी वेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बॉलिंग तो 2 ओवर डालेगा ही डालेगा, प्लस इसका जो है ये 9 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो बैटिंग से भी उम्मीद करके चल सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पे एम प्रोहित एक अच्छे पिक रहेगा, क्योंकि 2 ओवर पूरा बॉलिंग डाल रहा है, लास्ट वाली मैच में बंदा जो है 1 विकेट से निकाला हुआ था, और 2 ओवर पूरा बॉलिंग डाल रहा है, तो एक अच्छे पिक रहने वाला है एम प्रोहित 8 नंबर पर आएगा, इसको भी आप अपने टीम में लेके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एस इस्लाम है, ठीक है, ये प्लेयर 2 ओवर पूरा बॉलिंग डालेगा, सिलेक्शन परसेंटेज आपके लिए यहाँ पे देखो ड्रीम इलेवन पर काफ़ी कम है, तो ये एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, ठीक है। 2 ओवर पूरा बॉलिंग डालेगा, पीआरडी के टीम से ही है, अगर ये टीम विन करती है तो आपको दो विकेट्स कंफर्म है कि ये लेके देगा, ठीक है। तो देखो ग्रैंड लीग्स का जब टीम बना रहे हो तो उसमें 1-2 जो प्लेयर है ट्रम्प कार्ड प्लेयर ऐड करो, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज लो है, वैसे प्लेयर को आपको ऐड करना है। ये T10 का मुकाबला है, इसमें 1-2 प्लेयर्स को ऐड करेंगे ग्रैंड लीग्स का बेहतरीन टीम बन जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, हमारी टीम जो है कंप्लीट हो चुकी है और सारे प्लेयर्स को हमने यहाँ पर अपने टीम में इंक्लूड कर लिया है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सारे बंदे जो है यहाँ पे कैप्टन कर रहे एच रोगड़ी को, ठीक है, तो हमने इसे वाइस कैप्टन किया है, क्योंकि हमारी डिफरेंट टीम होने वाली है, ठीक है। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे ग्रैंड लीग्स हमारी नहीं जाएगी, ठीक है। और सारे बंदे एम साई वानदर्सी को यहाँ पे कैप्टन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंट टीम बनाना है। आर गोयल ओपन कर रहा है, 2 ओवर पूरा बॉलिंग डाल रहा है, भले ही लास्ट मैच में फ्लॉप रहा बंदा, लेकिन आज के मैच में अच्छा पारी खेल सकता है, ठीक है। तो कैप्टन के ग्रैंड लीग्स के कैप्टन के एक बेहतर विकल्प रहने वाला है आर गोयल, इसको आपको अपने टीम में रखना है। चाहे तो आप आर्मी को रख सकते हो, क्योंकि 2 ओवर ये भी पूरा बॉलिंग डाल रहा है, ठीक है। एम पुरोहित को भी रख सकते हो, इसके बाद में इस पर रिस्क लेना चाहते हो एस इस्लाम पे, तो इसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। यहाँ से एक चीज़ रोटेट कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे एच रोगड़ी को कैप्टन नहीं करना है, ठीक है,
तो आप क्या करो यहाँ पे एम साई वनदर्शी को आप कैप्टन करो और यहाँ पे आर गोयल को वाइस कैप्टन करो, ठीक है। एक कम्बिनेशन आपका ये हो जाएगा फिलहाल के लिए। अभी जो है सेम इसी तरह से रहने वाला है। जो टीम प्रीव्यू आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे, ये जीएल का कम्बिनेशन है दोस्तों, ये डेमो टीम है। टॉस के बाद में हम इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।